यूपी में आज आधी रात से ही प्रधानी खत्म हो जाएगी। गांवों में प्रधानी का कार्यकाल यानी प्रधानों का कार्यकाल खत्म आज आधी रात से। यूपी में टोटल 58,000 गांव हैं और वहां के गांवों की प्रधानी आज आधी रात से खत्म। यूपी में अभी पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये शुरुआत है। अगर आज से प्रधानी खत्म हो रही है तो ये शुरुआत है। अब प्रधान खत्म, एडीओ गांव के प्रशासक होंगे, यानी अगर आपके गांव की कोई समस्या है तो आप प्रधान के पास नहीं, एडीओ के पास आपको पहुंचना होगा, वही गांव के प्रशासक के तौर पर काम करेंगे। तो खबर बड़ी ये है कि आज से प्रधानी खत्म हो गई, 58,000 गांवों में प्रधानी खत्म हुई है। हालांकि यूपी में पंचायत चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, अभी घोषणा नहीं हुई है। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। वीरेंद्र जी, घोषणा नहीं हुई है चुनावों की, लेकिन माना जाए कि ये पहला कदम है, चूंकि अगर प्रधानी खत्म हो रही है तो अब थोड़े दिनों बाद घोषणा भी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के जो गांव है, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें आज रात से प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उनकी जगह पर ग्राम पंचायतों में जो विकास अधिकारी हैं, पंचायत राज अधिकारी हैं, उनको चार्ज दिया जाएगा, वो प्रशासक के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, यानी कि जो जनता का प्रतिनिधित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में अब पंचायत चुनाव की आहट भी साफ है। सरकार अभी पंचायत चुनाव का परिसीमन करा रही है मतदाता सूची का, और उम्मीद है ये अंतिम चरण में है, किसी भी दिन इसका ऐलान हो जाएगा, उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव मार्च के महीने में होंगे, तो 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संभावित है, तो उसका ऐलान तो पहले ही करना पड़ेगा। तो नए साल में सरकार पंचायत चुनाव का ऐलान करेगी, लेकिन आज से उत्तर प्रदेश के गांवों में सरकार का प्रशासक बैठ जाएगा और उसी के निर्देश पर विकास के जो कार्य चल रहे थे वो चलेंगे, नए कार्य नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो यूपी में अभी पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, हमारे स्टेट हेड यही बता रहे हैं। और संभावित जो महीना है वो हम आपको बता सकते हैं, संभावित महीना मार्च है, मार्च के महीने में चुनाव हो सकता है, लेकिन प्रधानी आज से खत्म हो जाएगी। बदलते वक्त के साथ हमें खुद को बदलना पड़ता है, खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करना पड़ता है। बदलाव के इस दौर में भारत समाचार भी बदल रहा है। मैं गांव